हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता और ये हैं वीर। वीर, तो वीर जरा बताओ तुमने क्या कांड किया है। मैंने कोई कांड नहीं किया, वो मैं सभी देखो टाइम है अभी। अच्छा, कितना टाइम है जरा बताओ, हमारे दर्शकों को बताइए। वन आवर। सो वीर के सोने में वन आवर नहीं, सिर्फ हाफ एन आवर है। यू स्लीप एट 11 एंड इट्स 10:30 ऑलरेडी। तो आधे घंटे के पहले वीर को याद आया है कि कल स्कूल में उनको प्राइज टैग बना के देना है। मैथ्स का क्राफ्ट है, होमवर्क है, और ये किससे है, ज्योग्राफी का नहीं, साइंस का। हाँ। और साइंस में उन्हें फेजेस ऑफ मून ड्रॉ करके लेके जाना था। तो आज का पूरा दिन और पहले के पता नहीं कितने दिन जब से ये होमवर्क मिला अच्छा, हुआ है। अच्छा, कल ही मिला था ये होमवर्क। अच्छा, कल ही मिला था। तो कल और आज दो दिन निकल जाने के बाद। अच्छा, कल भी स्कूल में था तो घर नहीं आए थे स्कूल से। तो फिर वो जब मैं ट्यूशन में था तो फिर हाँ फिर तो ट्यूशन में एक घंटे थे, उसके बाद के घंटे में क्या हुआ। अरे यार, छोटे बच्चे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, कृपया हमें बताइए। वो सब छोड़ो, हम पहले बना लेते हैं। ओके ठीक है, तो हम सब छोड़ते हैं सारा वो, फिर तो टाइम निकल जाएगा। हाँ, इतना टाइम का टाइम की फिक्र है वीर को, टाइम की कितनी चिंता है देख लो आप। इतना जिम्मेदार नागरिक देश का भविष्य है, क्या करना है इसका। और ये दूसरा भविष्य यहाँ बैठ के पानी पूरी खा रहा है, तो मुझे तो मेरे देश का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। और फाइनली ये जो भविष्य को बनाना है वो भूतकाल के लोगों को बनाना पड़ रहा है। दिस होमवर्क हैज टू बी डन बाय यू, नॉट बाय मी। तो पहले तो अगर आपके साथ ऐसा कोई केस हो जाए और आपको होमवर्क करना पड़े अपने बच्चों का, होमवर्क तो मैं नहीं करती हूँ बट ये एज क्राफ्ट है तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो ऐसा एक पेपर ले कलरफुल, और ये मेरे पास ट्रैक पैंट है जो जिसका टैग हाँ बोलो बोलो स्टार्ट कर रहे। हाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये टैग मैंने काटा नहीं है अभी तक, तो ये टैग मैं यूज करूँगी फॉर साइज एंड डिजाइन। तो इस टैग को के साइज का इस पेपर को आई विल कट एंड देन आई डिजाइन इट, और वो मैं वीडियो में दिखाऊंगी। तो अगर आपको मिलता है ऐसा कोई क्राफ्ट प्राइज टैग बनाने वाला तो आप मेरा आइडिया जरूर यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ कौन हूँ मैं, वंडर वुमन। फिर से बोलो, जोर से बोलो, वंडर वुमन। सारे बोलो बोल, तू भी बोल। ये तो खाने के अलावा जो कुछ नजर आ जाए देवेश ठाकुर को। तो नाउ दिस इज अ चैलेंज फॉर वंडर वुमन, आधे घंटे के अंदर मुझे दो काम करने हैं, मून के फेजेस बनाने हैं और प्राइस टैग निकल भी गया अभी। आधा टाइम में 5 मिनट भी नहीं निकला है, वीडियो ही 2 मिनट का हुआ है अभी। चलो मैं कंटिन्यू करती हूँ वीडियो, पहले थोड़ा काम कर लूँ उसके बाद। सबसे पहले मैं प्राइस टैग का आउटलाइन ड्रॉ कर लूँगी स्केल से, ताकि मुझे वो कट करने में ईजी हो जाए, क्योंकि मुझे एक साइड वो प्राइस टैग का हाइड करना है जिस पे ब्रांड लिखा है, और सिर्फ वाइट वाला पार्ट मैं एक्सपोज रखूँगी ताकि मैं उस पे डिटेल्स लिख सकूँ। टैग मैंने अभी तक काटा नहीं था तो मैंने टैग कट कर लिया, और ये जो पिंक पेपर मैंने रखा है उसको मैं इस पे चिपका दूँगी। थ्रेड डालने के लिए इसमें एक होल करना पड़ेगा, तो वो मैं पेंसिल से ही कर ले रही हूँ। जो ऑलरेडी एक होल था जो इसमें प्राइस टैग में, सेम होल के ऊपर मैंने पिंक वाले पेपर में भी होल कर लिया, और फेविकोल का ढक्कन में से फेविकोल निकल नहीं रहा था तो ओपन करके मैं लगा रही हूँ। आप प्रॉपरली लगाइए, और अब थ्रेड इसके अंदर डाल देंगे टू हैंग इट विथ क्लोथ्स। तो इसके अंदर थ्रेड डाल के हम रखेंगे। जनरली टैग में दो लगे होते हैं पेपर्स, एक पे सिर्फ ब्रांड का टैग रहता है और दूसरे टैग पे प्राइस डिटेल और पूरा जो मटेरियल है उसका डिटेल रहता है। बट यहाँ पे मैं इसी टैग के ऊपर ये सारे डिटेल मेंशन करूँगी, और जो बार कोड बना हुआ है वो ज़रूर से बना दे बार कोड। उसके पहले लेकिन मैं फ्रंट साइड डिज़ाइन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं कोई ब्रांड या लोगो भी कोई बना सकती थी किसी ब्रांड का, या ऐसे भी कोई लोगो या डिज़ाइन, बट एज़ मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है सो आई एम ड्राइंग सम ज्योमेट्रिकल पैटर्न, वो भी एकदम बेसिक और सिंपल। इससे ज़्यादा
मेरे बस का नहीं था, तो ये मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ पहले एक बीच में डिवाइड कर लिया स्ट्रेट लाइन करके, और अब मैं ये स्लांटिंग लाइंस ड्रॉ करके उसको कलर कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे। आप चाहें तो कोई ब्रांड का लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं या अपने आप से भी कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं, बट फॉर मी आई कांट डू मोर देन दिस। तो अभी मैं अलग अलग कलर से इसको कलरिंग कर दूँगी। आई एम श्योर प्राइस टैग बनाने के इससे भी ज़्यादा अच्छे वीडियोस अवेलेबल होंगे इंटरनेट पे, बट जो लोग मेरी तरह थोड़े कम टैलेंटेड और कम क्रिएटिव हैं उनके लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगा। सो दैट्स द रीज़न फॉर मेकिंग दिस वीडियो। फाइनली मैंने सारे कलर कर दिए हैं एंड इट इज़ लुकिंग गुड। हो सके तो आप पिंक की जगह कोई और कलर लें, पिंक इज़ नॉट लुकिंग सो गुड, बट मेरे पास सिर्फ पिंक ही था। और अब मैं इसका बैक डिज़ाइन करूँगी। इस पर बहुत सारी डिटेल्स लिखे हुए हैं जो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं जस्ट ऐसे ही लाइंस बना दे रही हूँ, वो ECG के लाइंस की तरह जो हार्ट बीट की लाइंस होती हैं, सो दैट इट लुक्स लाइक कि समथिंग इज़ रिटन। और अब मैं बार कोड बना दूँगी। बार कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो इसको रियल लुक देगा इस टैग को, क्योंकि आजकल वो बार कोड स्कैन करते हैं काउंटर पर, तो ये बार कोड बनाने से इसमें पूरी रियलिटी का टच आ जाएगा एंड इट विल लुक वेरी ट्रू काइंड ऑफ प्राइस टैग। तो मैंने 4-6 स्ट्रेट लाइन बनाई बट उतनी लाइन बना नहीं पाऊँगी, तो बाकी मैंने हाथ से ऐसे कर दिया बिना स्केल के। एंड नाउ द टैग इज़ रेडी। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरा प्राइस टैग रेडी हो गया है और ये बिल्कुल भी रियल प्राइस टैग की तरह लग रहा है। तो आई होप कि वीर को कल अप्रिशिएशन मिले, और अगर ये वीडियो इसकी टीचर देख लेगी तो मुझे गार्जियन कॉल आ जाएगा, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में मेरी धुलाई होगी और वीर की कुटाई होगी। तो दिस इज द पार्ट प्राइस टैग, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ फेजेस ऑफ द मून। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसके लिए मैं ये दोनों एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करके दो वीडियो बनाती हूँ। तो अभी के लिए बाय। दूसरा पार्ट अब इसके बाद स्टार्ट होगा।